हेलो गाइस, तो बात करने वाले हैं बॉन्डेक्स माइनिंग ऐप का अपडेट के बारे में। काफी लोग बॉन्डेक्स माइनिंग ऐप को एक फेक स्कैम माइनिंग ऐप बोल रहे, तो क्या सच में ये स्कैम माइनिंग ऐप है और क्यों लोग ऐसा बोल रहे, तो उसको भी बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ काफी लोग आपने मुझे सवाल पूछा था कि बॉन्डेक्स का लिस्टिंग कब होगा, केवाईसी वेरिफिकेशन कब होगा, और गाइस यहाँ पे टोकन के एलोकेशन जो चेंज हुई है, लाइट पेपर व्हाइट पेपर सभी कुछ गाइस मैंने मॉडरेटर से बात करके यहाँ पे लाया हूँ। सभी चीज का मेरा स्क्रीनशॉट है, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, तो इसलिए बोलूंगा वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इसी के साथ चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आ रहा था, काफी लोग मुझसे पूछे कि सर बॉन्डेक्स जो है बांग्लादेश में सपोर्ट करता है कि नहीं, तो इसके रिलेटेड गाइस मैंने यहां पे डायरेक्ट मॉडरेटर से बात किया है इनके डिस्कॉर्ड चैनल पे, तो यहां पे उन्होंने बताया है सर व्हाट अबाउट बांग्लादेश, इज बॉन्डेक्स अवेलेबल इन बांग्लादेश, तो यहां बोला यस मैट काइंडली डाउनलोड द ऐप एंड स्टार्ट माइनिंग। तो बेसिकली गाइस यहां पे बांग्लादेश में ये बॉन्डेक्स की ऐप है, तो डाउनलोड करके आप माइनिंग स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन गाइस यहां पे काफी लोग पूछ रहे थे कि गाइस यहां पे देखोगे तो यहां पे बॉन्डेक्स का क्या फ्यूचर होने वाला, कैसे टोकन एलोकेशन होने वाली है, व्हाइट पेपर क्या होने वाला, तो गाइस मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। यहां पे देख लो इनके मॉडरेटर ने डिटेल में डिस्कस किया कि जो टीम जो है करंटली फोकस कर रही है इनका जॉब पोर्टल लॉन्च होने में, क्योंकि गाइस वो सबसे ज्यादा इनका हाईएस्ट यूटिलिटी केस है। और यहां पे इन्होंने ये भी बताया कि अभी हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट नहीं हुए, कोई भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुए या फिर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में लिस्ट नहीं हुए, तो गाइस इस स्कैम में मत पड़ना, और जैसे गाइस इनकी लिस्टिंग होगी तो आप खुद अपडेट कर देंगे, और मैं भी गाइस अपने टेलीग्राम या ट्विटर हैंडल पर सब जगह अपडेट कर दूंगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके चैनल पर रखो। साथ ही साथ इन्होंने काफी बड़ा अनाउंसमेंट किया कि इनका सेकंडली देखोगे नीचे यहां पे लिया द न्यू रोड मैप will be embedded soon in the new light paper which will be released soon। अगर आप देखो तो यहां पे उन्होंने बताया कि एक न्यू लाइट पेपर में फिर से एक न्यू रोड मैप आने वाला है, क्योंकि गाइस आपको पता है यहां पे लाइट पेपर लॉन्च की गई है बॉन्डेक्स की तरफ से, उसमें काफी सारे इशू हो रहे जिसके गाइस को लोग यहां पे स्कैम बोल रहे हैं। क्या इशू है अभी आपको आगे डिस्कस करूंगा, लेकिन गाइस इसके लिए उन्होंने न्यू रोड मैप भी लॉन्च करने वाले, तो क्या वो स्कैम है चलो आपको डिस्कस करके बताता हूं। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं बॉन्डेक्स माइनिंग ऐप के ऑफिशियल वेबसाइट में हो चुकी है bondex.app। यहां पे इन्होंने बताया था कि लोग न्यू लाइट पेपर लॉन्च करने वाले हैं, जहां पे इन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन देने वाले। तो आप गाइस इसके वेबसाइट के नीचे आओगे तो यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा रीड अब लाइट पेपर, ये गाइस न्यूली लॉन्च है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे तो यहां पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा। डाउनलोड गाइस मैंने ऑलरेडी कर दिया, तो गाइस यहां पे आपको मैं ओपन करके दिखाता हूं। तो गाइस ये बॉन्डेक्स का जो ऑफिशियल लाइट पेपर है, जहां पे इन्होंने सब कुछ अपडेटेड वे में दिया गया है, रोड मैप वगैरह सभी कुछ गाइस यहां पे अपडेटेड है, आप डेट वगैरह सब चेक कर सकते हो। लेकिन गाइस जो यहां पे स्कैम की बात लोग यहां पे कर रहे हैं, आप यहां पे नीचे आओगे तो यहां पे जो सोशल मीडिया जो लिंक है, यहां पे आप ट्विटर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो गाइस जैसे ट्विटर पे क्लिक करोगे तो ये जो रीडायरेक्ट करता है वो गाइस यहां पे कोई अजीब सा ट्विटर हैंडल पे जो करता है जो कि बॉन्डेक्स का नहीं है। बेसिकली गाइस ये कम्युनिटी का या फिर इसी तरह कोई रैंडमली क्रिएटेड ट्विटर हैंडल अकाउंट है, तो ये गाइस काफी चिंताजनक वाली बात है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑफिशियल व्हाइट पेपर लाइट पेपर होने के बाद यहाँ पे गाइस इस तरह का वेबसाइट में रीडायरेक्ट करना जहाँ पे कुछ अपडेटेड भी नहीं है, तो कुछ ये काफी ज्यादा स्कैम जैसा कुछ अपडेट लग रहा है। साथ ही साथ इनके टेलीग्राम में भी देखोगे तो इसका ऑफिशियल जो लाइट पेपर टेलीग्राम का अकाउंट है वो भी गाइस कुछ अलग टेलीग्राम पे रीडायरेक्ट करता है बॉन्डेक्स कैपिटल, जो कि इनका ऑफिशियल नहीं है। इसको गाइस आप टेलीग्राम ऐप जाकर सर्च करके आपको दिखाता हूं। तो गाइस यहां पे मैं जैसे ही सर्च करूंगा टेलीग्राम में तो गाइस यहां पे उन्होंने बताया कि नो समथिंग फाउंड, अभी आप देख सकते हो नो रिजल्ट फाउंड, ठीक है। लेकिन गाइज यहाँ पे आप आओगे बॉन्डेक्स डॉट ऐप में, यहाँ पे इसके ट्विटर हैंडल पे क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्टली ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे रीडायरेक्ट कर रहा है, लेकिन जो लाइट पेपर पे ट्विटर हैंडल था वो कुछ और ट्विटर हैंडल था। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं बॉन्डेक्स, क्या इसके पीछे अपडेट है? तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बॉन्डेक्स ऐप जो है वो कहीं ना कहीं गाइज कुछ डिफॉल्ट हो चुका है, जिसके कारण इन लोग क्या करने वाले कि एक न्यू रोड मैप लॉन्च करने वाले हैं, जिसको मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में बता चुका था। यही रीजन है गाइज मुझे लगता है लोग न्यू रोड मैप लॉन्च करने वाले, जहाँ पे जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है जो कि डिफरेंट वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर रहा है उसको गाइस अपडेट करके लेके आने वाले हैं। बॉन्डेक्स काफी अच्छा प्रोजेक्ट है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये लोग बाइनेंस के साथ पार्टनरशिप किए हैं और रेगुलर बेसिस पे कहीं ना कहीं इंटीग्रेट करते हैं। आप देख लो हाल फिलहाल में यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ है एवलांचेस जो कि ब्लॉकचेन है, जहाँ पे ह्यूज अमाउंट में इसको फंडिंग मिलने वाली। तो गाइस मुझे नहीं लगता कि ये स्कैम होने वाला, बाकी मेरा खुद का पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है जरूर कमेंट में शेयर करके बताना। वीडियो यहीं तक था गाइस, वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।